हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो पे हमने डिस्कशन किया था कि कैसे हमारा ये मंथ में स्विंग ट्रेडिंग का जो हमारा सेटअप है वो फेल हो रहा है एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो वो हमने ये वीडियो पे डिस्कशन किया था, डिटेल हम डिस्कशन किया था। तो आज के वीडियो पे हम पहले देखेंगे कि ये मंथ में, मई मंथ में अभी तक हमने कितना ट्रेड लिया एंड ट्रेड का क्या आउटकम आया, कितना ट्रेड पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड कितना ट्रेड पे हमारा टारगेट हिट हुआ। तो वहाँ से आपको मार्केट का भी एक रेफरेंस मिलेगा। सेकंड हम देखेंगे कि करंट अभी हमारा क्या क्या ट्रेड है, क्या क्या लाइव पोजीशन है, हमारा स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन है, तो वो देखेंगे। एंड थर्ड हम डिस्कशन करेंगे कि मई मंथ पे हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मेरा पर्सनल क्या स्ट्रेटजी रहेगा वो डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले हम ट्रेड डिटेल्स देखते हैं, मतलब मई मंथ में कितना हमने ट्रेड लिया एंड ट्रेड का क्या आउटकम आया वो देखते हैं। तो इसके लिए डायरेक्टली हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। 10 दिन ही हुआ है हमारा, मतलब मई मंथ का, तो यहाँ पे 10 डेज का ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे लास्ट 7 डेज सेलेक्ट करता हूँ। यानी उसके पहले ट्रेड भी नहीं है, मेरा पोजीशन था बट मैंने एग्जिट नहीं किया था। तो जो आउटकम है वो आपको 7 डेज में, लास्ट 7 डेज में दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने टोटल 4 ट्रेड लिया था। तो देखिए यहाँ पे 3 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड 1 ट्रेड हमने न्यूट्रल पे क्लोज किया। तो देखिए ये 1 ट्रेड लिया था हमने, तो ये इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना के भी डिस्कशन किया था कौन सा सेटअप पे लिया था एंड कैसे हमारा सेटअप फेल हुआ। 1:1 टारगेट आ रहा था, बाद में फिर वो हमारा रिवर्स होके स्टॉप लॉस हिट किया एंड यहाँ पे हमने अराउंड 4% का स्टॉप लॉस लिया। एंड ये ट्रेड, ये एक्चुअली मल्टीपल ट्रेड था, ये एक्चुअली 2 ट्रेड था इसमें, तो इसमें भी हमने 1% के आसपास हमने स्टॉप लॉस लिया, मतलब न्यूट्रल पे ये ट्रेड हमने क्लोज किया। एंड ये भी हमने न्यूट्रल पे क्लोज किया क्योंकि मार्केट सिनेरियो ठीक नहीं लगा, तो वो हिसाब से हमने एग्जिट किया था। बट ये ट्रेड में हमने स्टॉप लॉस लिया, सेम डे पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 3% का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो नेट नेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मई मंथ में देखिए अभी तक हमने 4000 के आसपास हमने लॉस बुक किया ऑलरेडी। एंड अप्रैल मंथ में स्विंग ट्रेडिंग से हमने कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट किया, तो वो हमने ये वीडियो पे डिस्कशन किया था, आपको अपडेट किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि करंट हमारा क्या क्या पोजीशन है, स्विंग ट्रेडिंग क्या क्या पोजीशन है वो देखते। तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, जो हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे होल्डिंग पे मेरा अभी मतलब कोई पोजीशन नहीं है, 0 पोजीशन है। एंड ये मैंने, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने लाइव मार्केट में मैंने अपडेट किया था, जिस दिन मैंने जो पोजीशन जो मैंने कट किया था, क्लोज किया था, उसी दिन मैंने सेम डे पे सेम टाइम पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था। तो चलिए अभी हम स्ट्रेटजी डिस्कशन करते हैं, मई मंथ के लिए हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगा वो डिस्कशन करते हैं। तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम इंडेक्स चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स चार्ट है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स चार्ट है एंड ये मैंने 1 डे टाइम फ्रेम ऑन किया, 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन ही दिखेगा। तो देखिए, एक तो फर्स्ट प्राइस जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के देखिए, यहाँ पे इंटरमीडिएट कैंडल बनाया था बट ये जो स्विंग था, ये स्विंग लो भी ब्रेक किया। मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये 20 EMA के नीचे है। मैंने स्मॉल कैप इंडेक्स क्यों रेफरेंस के लिए लिया फ्रेंड्स, मेन रीज़न है जो मैं पर्सनली जो स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, मोस्टली जो स्टॉक में ट्रेड करता हूँ वो स्मॉल कैप इंडेक्स में इंक्लूड रहता है। तो वो हिसाब से रेफरेंस के लिए हम स्मॉल कैप इंडेक्स का ये चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप मिड कैप इंडेक्स का भी चार्ट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आपको सेम ही दिखने को मिलेगा। ये देखिए निफ्टी 500 इंडेक्स है, सेम प्राइजेक्शन ही दिखेगा आपको, जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए 100 इंडेक्स कंसिडर किया। तो अभी तो हमारा जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव साइड में लग रहा है एंड मूविंग एवरेज के नीचे भी है एंड सामने हमारा एक इवेंट भी है, बहुत बड़ा एक इवेंट भी है, इलेक्शन का आउटकम भी आने वाला है। एंड अगर आप वीक्स देखेंगे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखेंगे, तो ये भी देखिए बहुत बढ़ गया। तो अभी मार्केट में कैसा है, थोड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो वो हिसाब से अभी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए एग्रेसिव नहीं जाएंगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखता है मुझे, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी दिखता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ पे मैं कुछ एंट्री ले सकता हूँ, तो वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। बट कैसा है, मैं अभी एग्रेसिव नहीं रहूँगा, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं अभी एग्रेसिव काम नहीं करूँगा। तो ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी रहेगा अभी। तो ये हमने डिस्कशन किया, तो
आई होप आपको यहाँ से कुछ रेफरेंस मिला होगा। ये एक शॉर्ट अपडेट था, तो मेरा क्या पोजीशन है, मैं क्या कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये मैंने अपडेट किया। एंड मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा मे मंथ के लिए, वो भी मैंने आपको अपडेट किया। एंड आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा एंड अभी तक आपका ट्रेड कैसा गया, वो भी मुझे कॉमेंट कीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।